राजनगर नाम के गांव में एक इच्छाधारी नागिन चुड़ैल का साया था। उसका सर तो चुड़ैल का, लेकिन बाकी हिस्सा सांप का था। वो गांव से बाहर बने खंडहर के पास रहती थी और आने जाने वाले लोगों को खा जाती। इन गांव वालों को जब तक मैं सबक नहीं सिखाऊंगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी को पैदा होते ही मार दिया, इनकी वजह से ही मैं आज इस हालत में हूँ। दूसरी ओर गांव में बंटी और मोना के घर दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है, इतनी गरीबी में भी मुझे दो जुड़वा बच्चे दे दिए, मैं इनको कैसे पालूंगा। तभी बंटी मोना से छिप कर लड़की को उसी खंडहर में छोड़ देता है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं तुझे पालने में असमर्थ हूँ। बंटी रोती हुई बच्ची को छोड़कर चला जाता है। नागिन चुड़ैल उसे ऐसा करते देख लेती है। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, नरम मांस, इसे खाने में तो मजा आ जाएगा। पर वो चुड़ैल नागिन जब उस लड़की को गोद में उठाती है तो बच्ची चुप हो जाती है और चुड़ैल के मुंह पर हाथ लगाती है। चुड़ैल का दिल पिघल जाता है। उसे खाने का इरादा वो छोड़ देती है और उस लड़की को पालने लगती है। वो अपनी शक्ति से चारों तरफ ऐसी मायावी दुनिया बना देती है कि कोई भी उस लड़की को ना देख पाए। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लग जाती है। वहीं बाकी चुड़ैलों को भी इसका पता चलता है तो वे उस नागिन चुड़ैल के पास आ जाती है। कहाँ है नागिन चुड़ैल, बाहर निकल, कहाँ है। ऐसी आवाजें सुनकर नागिन चुड़ैल बाहर आ जाती है। क्या हुआ, तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, ये तो क्या कर रही है नागिन, तू हमारी बिरादरी का नाम क्यों खराब करने पर तुली है, एक इंसान के बच्चे को क्यों पाल रही है। तभी वो लड़की जिसका नाम नागिन चुड़ैल ने रूपा रखा होता है बाहर आ जाती है। अरे माँ, ये कौन आंटी है जो तुम्हें इतने गुस्से से बोल रही है। देखो आंटी, आप मेरी माँ को ऐसे बुरा भला मत बोलो, ये मेरी माँ है। नागिन, तेरी लड़की तो बहुत समझदार है, लेकिन तूने इसे अपने बारे में कुछ बताया कभी। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर नागिन चुड़ैल काफी डर जाती है। जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी, चलो अब तुम सब फूटो यहाँ से। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल उन सभी चुड़ैलों को वहां से भगा देती है। लेकिन रूपा को ये सारी बातें कुछ अजीब लगती हैं और वो नागिन चुड़ैल से पूछने लग जाती है। माँ, ये सब क्या बातें कर रही थी और क्या बात है जो तुमने मुझसे छिपा रखी है, बोलो। कुछ नहीं रूपा बेटी। भला मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, बोलो। नहीं माँ, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, और मैं एक दिन पता लगा कर रहूंगी। ऐसा कहकर रूपा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक रात नागिन चुड़ैल खंडहर के बाहर एक आदमी को खा रही होती है। उसके खाने की आवाज से रूपा की आंख खुल जाती है और वो बाहर आ जाती है। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम किसे खा रही हो, ये कौन है जिसे तुम खा रही हो। तू यहाँ क्यों आई रूपा, मैंने कहा था ना कभी इस खंडहर के बाहर मत आना, लेकिन फिर भी तू आ गई। माँ, मैं शोर सुनकर बाहर आ गई, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, तुम मांस खा रही हो, ये गलत बात है, मुझे तो तुम ये नहीं खिलाती। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे समझाएगी कि क्या गलत है क्या सही। सही कहती थी वो मेरी चुड़ैल सहेलियाँ, तुम इंसान हो ही ऐसे, और फिर तू भी तो इंसान की ही औलाद है ना। इंसानों की औलाद मतलब माँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, बोलो ना माँ, बोलो। लेकिन नागिन चुड़ैल को तब तक अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तू मेरी ही बेटी है रूपा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला तो है, तू मेरी ही बेटी है, अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो मैं कौन हूँ, कौन है मेरे माता पिता। फिर नागिन चुड़ैल रूपा को पूरी बात बताती है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर रूपा उसके पैरों में गिर जाती है। माँ, मैं सचमुच बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी माँ हो, मुझे मेरे असली माँ बाबा ने छोड़ दिया लेकिन तुमने मुझे पाला। ऐसा कहकर रूपा नागिन चुड़ैल के गले मिलकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ
गांव में रोज रोज आदमी और जानवरों के गायब होने की वजह से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और उस खंडहर में से नागिन चुड़ैल को भगाने का सोचते हैं। भैया, ये खंडहरवा से रोज अजीब अजीब सी आवाज आने लगी है और उसके आसपास बहुत बदबू आवत है। लगत है वो खंडहरवा की चुड़ैल ही सबको मारे दिए जा रही है और धीरे धीरे और ताकतवर हुए जा रही है। हाँ सरपंच जी, हमको भी यही लागत है। देखो ना, पहले तो कभी महीना दो महीना में कौनो जानवर गायब हुई जात रहा, अब तो लोग गायब होने लगे हैं। सही कह रहे हो भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उस चुड़ैल का मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही चुड़ैल चुड़ैल को मारेगी। हमारा दोस्त एक बहुत बड़ा तांत्रिक है, वो कहत रहा वो कई चुड़ैल पकड़े है, हम उससे बात करेंगे। ए बंटी, एक काम करो, कल तुम उसको बुला लाना, हम तुमको उसका पता दे देंगे। अगले दिन बंटी तांत्रिक को गांव में लाता है और सरपंच तांत्रिक को सारी बात बताता है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी अपनी सेवक चुड़ैल को बुलाता हूँ, वो उस दुष्ट चुड़ैल को पकड़ कर यहाँ लाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्रों के खत्म होते ही वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। बोलो मेरे मालिक, क्या हुक्म है? चुड़ैल, जाओ और उस दुष्ट चुड़ैल को बालों से पकड़ कर ले आओ, जिसने मेरे दोस्त और इन गांव वालों को परेशान कर रखा है। तांत्रिक के कहे अनुसार चुड़ैल वहाँ से खंडहर में जाती है और नागिन चुड़ैल को पकड़ कर ले आती है। उनके पीछे पीछे रूपा भी आने लगती है। ये लो मालिक, पकड़ लाई इस दुष्ट नागिन चुड़ैल को, बोलो अब क्या करना है? करना क्या है, गायब कर दो इस चुड़ैल को इस दुनिया से, ताकि ये किसी को परेशान न कर पाए। लेकिन तब तक रूपा भी वहाँ पहुँच जाती है। रूपा को देख सब हैरान हो जाते हैं। नहीं, मत मारो मेरी माँ को, छोड़ दो। अरे ये क्या माजरा है, चुड़ैल के भी बच्चे होने लगे। अरे भाई, कोई जरा इसके बाप का नाम भी बता दे मुझे। तांत्रिक की बात सुनकर नागिन चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तुम इंसानों में कोई इंसानियत नहीं है, शायद इसीलिए मैंने कभी अपनी बेटी को तुम लोगों के सामने नहीं आने दिया, नहीं तो वो भी तुम लोगों जैसी बन जाती। और रही बात इसके बाप की, तो ये नास मिटा बंटी है इसका बाप। ये बात सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। कहा बंटी, बहुत शरीफ बना थो, लेकिन चुड़ैलों पर भी नजर रखा थो। अरे क्या सरपंच जी, कुछ भी, ये चुड़ैल कुछ भी बोल रही है और तुम इस बात पर मजे ले रहे हो। ए चुड़ैल, चुप कर और सच बोल। आज तो बहुत डर लग रहा है तुझे, मुझे सच बोलने को कह रहा है, लेकिन वो रात भूल गया जब तूने इस बच्ची को खंडहर में छोड़ दिया था मरने के लिए। तब मैंने पाला था इस बच्ची को। तब तक मोना भी वहाँ आ जाती है और नागिन चुड़ैल की सारी बात सुन लेती है। अच्छा, तो उस दिन मुझे दो बच्चे हुए थे, तुमने बहुत गलत किया बंटी, तुमने एक माँ से उसकी बच्ची छीन ली, मैं कभी माफ नहीं करूँगी तुम्हें, कभी माफ नहीं करूँगी। रूपा, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन रूपा उसकी तरफ नहीं देखती और नागिन चुड़ैल के पास जाकर चिपक जाती है। उनका ऐसा प्यार देखकर दूसरी चुड़ैल भी नागिन चुड़ैल को आजाद कर देती है और गायब हो जाती है। मोना को रोता देख नागिन चुड़ैल रूपा को अपने पास से अलग करती है और रूपा को समझाती है। बेटी, यही तेरी असली माँ है, मैं अपने स्वार्थ में बह गई थी, मुझे पहले ही तुझे इनके हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन शायद अपने बदले और तेरे प्यार के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी बच्ची तो इंसान है और मैं चुड़ैल, तेरा जीवन इंसानों के साथ रहने के लिए बना है, इसलिए तू अपनी असली माँ के पास जा। लेकिन माँ, माँ तुम ही मेरी माँ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ और आज से मैं भी आजाद हो गई, और तू जब भी बुलाएगी ना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल आसमान में गायब हो जाती है।